हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी शेयर करूंगी। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने चार बड़े आलू लिए। ये नए आलू है और इसको मैंने स्किन के साथ ही लिया हुआ है। इसको धोकर अच्छी तरीके से मैंने पोंछ लिया है। इसके साथ ही मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, नमक लिया है और तलने के लिए तेल लिया हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से कट करना है। सबसे पहले तो आप ये ऐसे पीस निकाल लिए, उसके बाद में फिर आप उसको इस तरीके से ऐसे पीसेस में कट कर लीजिए। ये दोनों साइड से इसे आप उसके पीसेस करके निकाल लीजिए ऐसे करके, फिर आप उसको बीच से इस तरीके से स्लाइस कर लीजिए। ये देखिए, अभी ये इसका है, इसमें से हम ऐसे फ्रेंच फ्राइज के शेप में कट कर लेंगे। ऐसे ही आप सारे आलू को काट लीजिए और उसको अच्छी तरीके से किचन टॉवल से पोंछ कर उसमें कॉर्नफ्लोर लगा दीजिए। ये देखिए, मैंने ऐसे काटा है। ये देखिए, कट करके हो जाने के बाद में आप इसको किसी भी टॉवल से या टिश्यू पेपर से अच्छी तरीके से पोंछ लीजिए और फिर इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें फ्रेंच फ्राइज डाल रही हूँ। मैं राई का तेल यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो तेल है आप वो यूज़ कर लीजिए। ये देखिए, हमारा फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गया है। अब मैं इसको बोल में निकाल लूँगी और इसके बाद में इसमें नमक डाल के अच्छी तरीके से इसको हिला लूँगी। ये देखिए, हमारा फ्रेंच फ्राइज बनकर रेडी हो गया है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।